खाने में अगर छोले मिल जाए तो क्या कहने, और उसमें भी अगर अमृतसरी छोले मिल जाए तो फिर क्या बात है। और इसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, या तो नान ले ले, या कुलचा ले ले, या राइस ले ले, सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही सही बैठता है। थिक ग्रेवी वाली और अलग अलग मसालों से बनी है अमृतसरी छोले की रेसिपी बहुत ही डिलीशियस है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बनाना अमृतसरी छोले। लेकिन इससे पहले मैं निधि मेरे चैनल बेक एंड सॉटे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अमृतसरी छोले बनाने के लिए हमें चाहिए काबुली चना सोक और ड्रेन किए हुए 1 कप, पानी 2.5 कप, दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच बड़ा, 3 बड़ी इलायची, नमक 1 छोटा चम्मच और 2 टी बैग्स। प्याज 2 चॉप किए हुए, टमाटर 2 चॉप किए हुए, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, अमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच, अनारदाना पाउडर 1 बड़ा चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच, हरी मिर्च स्लिट किए हुए 2 लौंग, 3 अदरक का 1 इंच टुकड़ा जूलियंस में कटा हुआ, तेजपत्ता 1, धनिया पत्ती बारीक कटा हुआ 2 बड़ा चम्मच, तेल 2 बड़े चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले एक कुकर को मीडियम आंच पे गर्म करेंगे, उसमें 2.5 कप पानी डाल देंगे। उसके बाद इसमें सोक किए हुए और ड्रेन किए हुए हम काबुली चना डाल देंगे 1 कप। उसके बाद इसमें नमक भी स्वाद अनुसार डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। उसके बाद इसमें 3 बड़ी इलायची भी डाल देंगे। उसके बाद इसमें 2 टी बैग डाल देंगे, इससे जो है हमारे छोले का कलर ब्लैक हो जाएगा। अगर आपके पास टी बैग नहीं है तो आप एक मसलिन क्लॉथ में भी 1 छोटा चम्मच टी डालकर आप उसको किसी थ्रेड से बांधकर आप इसमें डाल सकते हैं। फिर इसमें 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। उसके बाद इसको हम 2 विजल आने तक के लिए हाई फ्लेम पे रखेंगे और उसके बाद इसको 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे। यहाँ हमारा चना कुक हो गया है और टी बैग की वजह से इसका कलर बहुत ही डार्क हुआ है। उसके बाद एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेंगे और आंच हमारी मीडियम रहेगी। उसके बाद इसमें 3 लौंग डाल देंगे। उसके बाद इसमें 1 तेज पत्ता डाल देंगे। उसके बाद इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और इसे चटकने देंगे। अब इसमें 2 अनियन चॉप किए हुए हम डाल देंगे। और उसके बाद इसको हमें इसी तरह से चलाते हुए तब तक कुक करना है जब तक कि अनियन का कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। और यहाँ हमारा अनियन भुन गया है और अच्छी तरह से लाइट ब्राउन हो गया है। उसमें हम 2 चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे और इसे 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लेंगे जब तक कि हमारे टमेटो सॉफ्ट ना हो जाएं। हमारा टमेटो अच्छे से फ्राई हो रहा है, इसको इस तरह से हम लगातार स्टर करते रहेंगे। उसके बाद इसमें 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। उसके बाद इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर का भी डाल देंगे। इसमें 1 बड़ा चम्मच अनारदाना पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच इसमें अमचूर पाउडर का डालेंगे। उसके बाद हमें इसी तरह से इसको स्टर करते रहना है और 10 से 12 मिनट के लिए हमें इसे कुक कर लेना है। अब इसमें स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे।
और इसे लगातार स्टर करते रहेंगे क्योंकि हमारा मसाला ऑलरेडी थोड़ा ड्राई हो गया है और हमने इसमें बाद में मसाला ऐड किया था। तो अभी हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है भून के। अब इसमें हम काबुली चना उसके पानी के साथ ही उसमें हम डाल देंगे मसाले में। अब इसमें हम स्लिट किए हुए हरी मिर्च डाल देंगे जो हमने दो लिया था। अब इसमें जिंजर भी डाल देंगे जूलियंस में कटे हुए। अब इसको इस तरह से अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब इसको कवर कर देंगे और बॉयल होने के लिए रख देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। हमारा अमृतसरी छोला बन गया है और इसकी ग्रेवी भी थिक हो गई है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच चॉप किए हुए धनिया पत्ती की डाल देंगे। तो यहाँ हमारा अमृतसरी छोले बनके तैयार हो गया है और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और किसी भी रेसिपी खासकर ग्रेवी जब होती है तो उसका कलर देख के ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो रेसिपी कितनी टेस्टी है। तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कैसी बनी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और आगे भी मेरी आने वाली सभी रेसिपीज की अपडेट आपको मिलती रहे इसके लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।